पास दो कॉलेज छात्रा ने मोपेड पर सवार युवक की जमकर धुनाई लगाई। पिटाई के डर से युवक माफी मांगता रहा। इसी बीच छात्रा ने उसे जमकर चांटे मारे। बताया जा रहा है कि छात्रा बहुत दिन से युवक द्वारा प्रताड़ित किए जाने से नाराज थी। जब वो उसके पास आया तो दूसरी छात्रा ने भी युवक की धुनाई कर दी। युवक केसरगंज स्थित कबाड़ी की दुकान पर काम करने वाला दीपक जैन है। छात्रा ने पहले भी युवक को समझाया था, लेकिन उसके बाद भी वह नहीं माना। परेशान होकर छात्रा ने युवक को धुनाई करने की ठानी। इस बीच दूसरी छात्रा ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अलवर के थाना पुलिस को झगड़े की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मनचले युवक को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। भैया हम केसरगंज चौराहे से जा रहे थे, तो वहाँ से है ना एक लड़का ना हमारा पीछा कर रहा था। उसका ना दीपक जैन है, नाम कवाड़ी है, और वो केसरगंज का रहने वाला है। और वो मतलब पीछा करता था, रोड तक चल गया था। तो वहाँ पे हमें कुछ उल्टा वर्ड बोल के फिर भागने लग गया था। तो भागते समय है ना हमने उससे मतलब पीछा करने की भी कोशिश करते, मतलब वो भागते हुए एक दुकान पे जाके बैठ गया। फिर दोबारा हम पैदल आ रहे थे ना, तब कुछ गंदे वर्ड बोले थे भैया। हम यहाँ से ना साइकिल सीखने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में एक आदमी हमारे पीछे करते करते जा रहा था। तो हम है ना आगे पहुँचे, वहाँ पे लाल फाटक के उधर गए थे, उस पार हम साइकिल सीख रहे थे। कुछ एक आदमी हमारे पीछे करते करते वहाँ तक पहुँच गया था, फिर हमें कुछ वर्ड बोल के चला गया था। हम उसका पीछा करते करते वहाँ से पहुँचे और उसे पकड़ने की कोशिश की, तो वो वहाँ नज़र नहीं आया। तो उस जगह से हम वापस लौट के आ रहे थे पैदल पैदल, तो वो नज़र आ गया। गाड़ी पार्किंग जहाँ गाड़ी ठीक करते हैं वहाँ पर बैठा था, उस जगह से भी वो भाग गया था। फिर आगे वापस पकड़ने गए, आगे से हमारे छोटे भाई ने साइकिल उसके पैर में फंसाई थी, और उसके बाद में हमने साइकिल रोक के उसे पीटा वहाँ पर। और उसके बाद में हमने तुरंत उस पुलिस स्टेशन लेके गए थे, अलवर गेट थाना। ये हम जब गए थे उस टाइम हमारे पीछे करते करते आ रहा था ये व्यक्ति, हमें पता नहीं था कि कौन है। दीपक नाम है उसका, केसरगंज निवासी है, कवाड़ी की दुकान में काम करता है। हाँ, रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभी तक तो पेरेंट्स को बताया नहीं है, क्योंकि अभी मम्मी आई नहीं है, तो उसके बाद में बताएंगे। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।